आज वायुसेना दिवस है और आज ही देशभर में विजयदशमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों मौकों के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल होंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्वारका में दशहरा मनाएंगे। वहीं वायुसेना दिवस के लिए ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आज वायुसेना दिवस का दिन एक गर्व से भरा हुआ है। राष्ट्र अपने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता है। भारतीय वायुसेना निरंतर समर्पण और उत्कृष्टता के साथ भारत की सेवा करती आ रही है। आज देशभर में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह जहां घरों में दशहरे का पूजन किया गया, वहीं शाम को विभिन्न रामलीला के समापन के साथ रावण का दहन कार्यक्रम होगा। रावण दहन को भारतीय परंपरा में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और हर साल विजयदशमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन किया जाता है। दिल्ली के दशहरा में इस बार एक और खास चीज होने जा रही है। दिल्ली के सबसे पुराने लाल किले के तीन रामलीला धार्मिक रामलीला कमेटी, नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी और लवकुश रामलीला में रावण दहन के समय पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ ही रामलीला मैदान में हर साल की तरह बड़े पैमाने पर रावण दहन की तैयारी है। इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तो होंगे ही, साथ ही बुराई के प्रतीक का एक चौथा पुतला भी होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक का। आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयर शो का आयोजन किया गया, जहां पर आईएएफ के जाबाज करतब दिखाते नजर आए और दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास दिलाया। इस कार्यक्रम में वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी पहली बार वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर परेड को सलामी दी। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आज बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों से निपटने के सरकार के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करना एक राजनीतिक संकल्प था। आतंकी हमलों से निपटने के सरकार के तरीकों में बदलाव आया है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि पड़ोस का वर्तमान सुरक्षा वातावरण चिंता का गंभीर विषय बना हुआ है। पुलवामा हमला रक्षा प्रतिष्ठानों पर होने वाले लगातार खतरे की याद दिलाता है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के पहुंचने के बाद निशान टोली के कदमताल और आसमान में हेलीकॉप्टरों की उड़ान के साथ परेड की शुरुआत होगी। वायुसेना के परेड दस्ते में इस बार महिला ब्रिगेड भी शामिल हुई। वहीं साथ ही कार्यक्रम में परेड का साथ ही वायु सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए तमगे दिए गए। एयरफोर्स डे कार्यक्रम में अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 उड़ाया। वो इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। अभिनंदन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए पाकिस्तान में घुस गए थे और उस विमान को मार गिराया था। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने 51 स्क्वाडन और 9 स्क्वाडन को फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमले में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना चीफ, सेना प्रमुख समेत कई मेहमान शामिल हुए। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में पूर्व क्रिकेटर और वायुसेना में ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। वहीं सचिन तेंदुलकर ने सुबह ही इंडियन एयरबेस से पहुंचे और उन्होंने पूरे कार्यक्रम का हिस्सा वो बने। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की। आज भारत को फ्रांस से अपना पहला राफेल लड़ाकू विमान मिलेगा। खास बात यह है कि ऐसे दिन ये मिलने जा रहा है जो वायुसेना दिवस के साथ साथ दशहरे का भी त्यौहार है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर फ्रांस के मेरिग्रेक एयरबेस पर मौजूद रहेंगे और शस्त्र पूजा के साथ साथ राफेल में उड़ान भी भरेंगे। ये उड़ान तकरीबन आधे घंटे की होगी। फ्रांस पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हर कोई राफेल को लेकर उत्साहित है। राफेल भारत को सौंप दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस समारोह के गवाह बने। राफेल के डेनो की लंबाई 10.90 मीटर है। वहीं F-16 के डेनो की लंबाई 9.96 मीटर है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर जबकि F-16 की 15.06 है। आकार में राफेल F-16 से थोड़ा बड़ा है। राफेल का
कुल वजन 10 टन है, वो 24.5 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 का वजन 9.2 टन है, ये सिर्फ 21.7 टन वजन लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल C40 जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने के लिए डेनमार्क पर शायद नहीं जा पाएंगे। उन्हें डेनमार्क जाने की विदेश मंत्रालय से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री का मंगलवार दोपहर 2 बजे डेनमार्क के कोपेनहेगन में सम्मेलन के लिए जाने का कार्यक्रम था। मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार को बैंक खातों से जुड़ी पहली जानकारी सौंपी है। स्विट्जरलैंड की ओर से स्विस बैंक में खुले भारतीय खातों की जानकारी सरकार को सौंपी गई। वहीं भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें ये जानकारी मिली है। इस बार फरवरी 2020 में पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं को कुछ विशेष राहत दे सकते हैं। इसका कारण है कि वित्त मंत्रालय ने बजट पूर्व बैठकों के जो कार्यक्रम तय किए हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामाजिक और आर्थिक महिलाओं पर ज्यादा जोर दे रही हैं। आरएसएस का स्थापना दिवस और विजयदशमी उत्सव आज नागपुर के संघ मुख्यालय में मनाया गया। हर साल होने वाले आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में इस बार एचसीएल के संस्थापक चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित शिव नादर ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी के दिन की थी। आरएसएस के स्थापना दिवस के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था पश्चिम के देशों ने भारत को दी है, बल्कि भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद लगा कि देश में कुछ बदलने लगा है और पहली बार साहसी फैसले लेने वाली सरकार आई है। नई सरकार को बड़ी हुई संख्या में फिर से चुनकर समाज ने उनके पिछले कार्य को सम्मानित और आने वाले समय के लिए बहुत सारी अपेक्षाओं को जाहिर किया था। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग के मामलों को संघ से संबंधित न होने की बात कही। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इन सब से संघ का कोई संबंध नहीं है और स्वयंसेवक ऐसे काम नहीं करते। अगर कोई स्वयंसेवक इसमें शामिल मिला तो संघ उसको प्रोटेक्ट करने नहीं जाता। ये एक ऐसा षड्यंत्र है और ऐसे मामलों में संघ का नाम नहीं लिया जाता है। सारे देश और हिंदू समाज को सर्वन नाम करने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। वहीं संघ के स्वयंसेवक किसी को मारने नहीं बल्कि बचाने जाएंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोग संघ के बारे में बिना जानकारी के कुप्रचार करते हैं। इमरान खान भी ये बात सीख गए हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की परंपरागत विशेष वेशभूषा में नजर आए, जहां पर उन्होंने गणवेश में पूजा की। वहीं सीएम योगी विजयदशमी की पूर्व रात्रि में नाथ संप्रदाय की अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका में भी नजर आए थे और पात्र पूजा के प्रधान भी रहे। रायपुर में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। WRS कॉलोनी में रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां अंतिम चरण पर है, लेकिन दशहरा समिति और प्रशासन ने महज रेलवे ट्रैक से कुछ मीटर दूरी पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा है, जिससे रावण दहन के समय कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यूपी के हमीरपुर में आस्था के नाम पर नवरात्रि उत्सव के दौरान एक युवक तरह तरह के खतरनाक कारनामे दिखाकर लोगों के दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। इस युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे खतरनाक करतब दिखाए कि लोग दंग रह गए। इतना ही नहीं, युवक आग की लपटों में घंटों करतब दिखाता रहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। घटनास्थल से गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। अन्य आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुठभेड़ और आतंकियों के मारे जाने की कोई पहली घटना नहीं है। 28 सितंबर को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें से 3 पाकिस्तानी थे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पंचायत चुनाव में बागियों पर फिर कार्रवाई की है। देहरादून महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 4 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ही कार्रवाई की गई है।
लखनऊ में एटीएस के कमांडो ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। एटीएस मुख्यालय में हुई घटना से सभी स्तब्ध हैं। दिल्ली के करावल नगर में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मातम पसर गया है। सिलेंडर फटने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक है। गंभीर रूप से घायल राजेश को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यह घटना पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के सभापुर इलाके की बताई जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। यूपी के बरेली में पुलिस इन दिनों बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस इन दिनों ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने में लगी हुई है। बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 बदमाशों और 2 सिपाहियों को गोली लगी है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। यूपी के झांसी में पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर में पुलिस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, जहां एक और पुष्पेंद्र के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद आरोपी दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और उस पर कार्रवाई होने की मांग पर अड़े परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं पुलिस पुष्पेंद्र के शव को लेकर नगरा के मुक्तिधाम पहुंचे। आनंद फानन में मृतक पुष्पेंद्र यादव का उसके परिवार की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत नया प्लान लेकर आ रही है। इस मिशन के तहत बेहद कम निवेश के साथ आप रेगुलर इनकम कर जुड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ 1,00,000 रुपए निवेश करने को तैयार हैं, तो हर महीने 14,000 से 15,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं। ये स्कीम मेटल से बनने वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है, जिसमें कटलरी से हैंडलूम और यहाँ तक की खेती में काम आने वाले कुछ टूल्स भी बनाए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 6 दिन से गिरावट दर्ज हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 13 पैसे की गिरावट आई है। दिल्ली में पेट्रोल 73.76 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 76.40 रुपए और मुंबई में 79.37 रुपए में है। टाटा मोटर्स ने जल्द ही इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। टाटा अगले साल मार्च तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी लॉन्च कर सकती है। टाटा मोटर्स इस पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी की कीमत 15 से 17 लाख रुपए के बीच में होने का अनुमान जता रही है। इस गाड़ी में कंपनी जिप्रॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इस टेक्नोलॉजी से कार की बैटरी और मोटर को लंबे वक्त तक चलाया जा सकेगा। इसके साथ ही कंपनी ने बैटरी पर 8 साल की वारंटी देने का भी ऐलान किया है। दुनिया भर में मशहूर फोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S10, गैलेक्सी नोट 10 प्लस और गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च कर दिए हैं। अब सैमसंग अपने नए गैलेक्सी S11 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक गैलेक्सी S11 18 फरवरी 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है। वहीं एंड्रॉयड 10 से लेस स्मार्टफोन के कैमरे को लेकर बड़ा अपडेट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने यूनाइटेड नेशन की पैसे की कमी से जूझने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और अक्टूबर के अंत तक उसके पास रखा पैसा पूरी तरह खत्म होने की आशंका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले 37,000 कर्मचारियों को लिखे पत्र में गुतारेस ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते के लिए खर्चों में कमी लाने को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप प्रशासन चीन के 28 संगठनों को अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। उसके पीछे मानवाधिकारों के हनन में उनकी भूमिका को वजह बताते हुए उनकी अमेरिका उत्पादन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के मुताबिक इन संगठनों पर यह कार्रवाई चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिमों के मानवाधिकारों का हनन करने में संलिप्तता के चलते किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने सीरिया के मामले में दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर तुर्की ने हद पार करने की कोशिश की तो वो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। इससे पहले अमेरिका ने तुर्की की सीमा से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का फैसला किया था, जिसे सही ठहराते हुए ट्रंप ने कहा था कि तुर्की में मौजूदा स्थिति से उसे खुद ही निपटना होगा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूछे जाने वाले आतंकवाद को लेकर सवालों से बौखला गए हैं। कंगाली से जूझ रहे देश की गरीब जनता को खाना उपलब्ध कराने के लिए एहसास लंगर नामक योजना की लॉन्चिंग के दौरान उनकी यही परेशानी जुबान पर आ गई। वैश्विक आतंकवादी और लश्करे तैयबा प्रमुख हाफिज सईद ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट ने हाफिज की याचिका को स्वीकार भी कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट की दो सदस्य बेंच ने सुनवाई के बाद पाकिस्तान की पंजाब सरकार और आतंकवाद रोधी विभाग से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। अफगानिस्तान के गजनी इलाके में एक बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों के घायल होने की खबर है। बम धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच की जा रही है। भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में पहला टेस्ट 203 रन से अपने नाम कर तीनों मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन अब पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। पुणे में सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर से खेला जाना है और दोनों टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने की ओर देख रही दोनों टीमों के सामने अब एक दूसरे की नहीं बल्कि मौसम की सबसे बड़ी चुनौती है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बतौर ओपनर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने का फायदा हुआ है। रोहित शर्मा की टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उछाल आया है। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शर्मा अब करियर के सबसे ऊंचे 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कप्तान विराट कोहली को नुकसान हुआ है। विराट कोहली अपना दूसरा स्थान तो बरकरार रखने में कामयाब हुए लेकिन उन्हें पॉइंट्स में काफी कमी आई है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की रिवर्स स्विंग के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने शर्मा की तारीफ की है। साथ ही शोएब अख्तर को इस बात का मलाल है कि कोई भी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उनसे सलाह नहीं लेता है लेकिन उन्हें खुशी है कि शमी अपनी तेज गेंदबाजी को लेकर उनके संपर्क में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन बेरनटोफ रीड की हड्डी का ऑपरेशन करवाएंगे। इस वजह से वो 2019-20 के घरेलू सत्र में नहीं खेल पाएंगे। सीमित ओवरों के क्रिकेट के विशेषज्ञ बेरनटोफ ने हाल में इंग्लैंड में 11 वनडे और 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। जून में वर्ल्ड कप के दौरान वो शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 44 रन लेकर 5 विकेट लिए थे जो उनके करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस खेल के मैदान पर एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का एक साथ खेलना इसलिए भी खास है क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी वो खेल नहीं खेल रहे थे जिसमें उन्होंने अपनी अपनी खास पहचान कायम की है। दोनों यहाँ एक साथ फुटबॉल का मैच खेलने मैदान पर उतरे थे और उन्होंने यहाँ हुए एक चैरिटी मैच के लिए फुटबॉल खेला। मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे असद से शादी रचाएंगे। दोनों की शादी को लेकर लंबे समय से चर्चा थी। अब खुद सानिया मिर्जा ने कहा है कि अनम और असद की शादी दिसंबर में होगी। अनम मिर्जा पेशे से फैशन स्टाइलिस्ट हैं और असद ने वकालत की है। बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली। हाल ही में सायना ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए परिणीति को बधाई दी है। नेहवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस साझा यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही उन्होंने परिणीति चोपड़ा को इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म के बारे में बात करते हुए परिणीति चोपड़ा ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इस फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते सर और उनकी टीम ने इस फिल्म के लिए जो किया वो काबिले तारीफ है। प्रियंका की आने वाली फिल्म द स्काई पिंक के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान पहने गए प्रियंका के कपड़ों और उनकी तस्वीरों पर नजर डाले तो ऐसा लगेगा कि मानो प्रियंका ने निक जॉनस के वार्डरोब से कपड़े चुराकर पहने हों। इस इत्तेफाक को देखते हुए प्रियंका चोपड़ा और निक जॉनस की कई फोटो वायरल हो रही हैं जिसमें दोनों ही एक जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर कम होने का नाम नहीं ले रही। फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ की कमाई दर्ज कराई थी।
इसके बाद ये फिल्म लगातार कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। फिल्म ने पहले ही वीक में सुपरहिट संडे साबित हुई है। अब इस फिल्म की सोमवार तक की कमाई सामने आ गई है, जिसके मुताबिक फिल्म ने सोमवार को 20 करोड़ रुपए की कमाई की। बिग बॉस 13 में दूसरे हफ्ते की शुरुआत दूसरे नॉमिनेशन के साथ हुई। पहले हफ्ते की तरह दूसरे हफ्ते में भी मजेदार टास्क के जरिए ओपन नॉमिनेशन हुआ। इस हफ्ते मेल कंटेस्टेंट को फीमेल कंटेस्टेंट को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करने की पावर मिली थी। बिग बॉस ने गार्डन एरिया में दो खिलाड़ियों वाला सेटअप बनाया था, जिसमें से एक एक करके खिलाड़ियों को खिड़की में खड़े होकर मेल कंटेस्टेंट से उन्हें नॉमिनेशन से सुरक्षित करने के लिए रिक्वेस्ट करनी थी। इस नॉमिनेशन टास्क में मेल कंटेस्टेंट को किसी एक लड़की की खिड़की बंद करनी थी, जिसे वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते थे।